पीरियड जब था हमारे देश में, जब हमारा देश मुक्त नहीं हुआ था, जितने ग्रेट लीडर्स ने देश के हित में काम किया, तब ये कलम उनके अगेंस्ट लगी थी, 124A सेडिशन, क्योंकि वो ब्रिटिशों के अगेंस्ट था। और अपने देश में जब फ्रीडम होने के बाद भी आज एक लोक प्रतिनिधि हो या आम जनता हो या आम पब्लिक, कोई भी हो इस देश में रहने वाला, अगर वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है, तो आज महाराष्ट्र में ये परिस्थिति निर्माण हुई है कि उनके ऊपर देशद्रोह 124A सेडिशन जैसा कलम लगता है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत नवनीत राणा से। जी हां, नवनीत राणा का बड़ा बयान सामने आया। नवनीत राणा के बयान के बाद से एक बार फिर महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल नवनीत राणा ने फैसला किया है कि वो अपनी लड़ाई आगे भी लड़ेंगी और उन्हें किसी का डर नहीं है। क्या कुछ कहा नवनीत राणा ने, ध्यान से सुनिए। मुझे दी है, मुझे लगता है लड़ने वालों के लिए तकलीफें ला के उन्हें थमा नहीं सकते हैं। हम लड़ने वालों में से हैं, ना ही डरने वालों में से, सबसे पहली बात। और जब मैं ओम बिरला जी को मिलके, हमारे स्पीकर को, मैंने सभी के साथ में किया कि 23 को प्रिविलेज के अगेंस्ट मेरा पूरा स्टेटमेंट होगा। जो जो जैसे जैसे इल्लीगली मुझे पकड़ा गया, इल्लीगली मुझे फोर्सफुली जेल लेके गए, लॉकअप में डाला गया, वहाँ पे किस तरीके से ट्रीटमेंट हुई, उस विषयों पे मेरा 23 तारीख को मेरा स्टेटमेंट प्रिविलेज के सामने होगा। और वो मैं 23rd ऑफ दिस मंथ वो भी किया जाएगा। और उसके बाद 100% प्रिविलेज ने समय दिया है और उसमें अपनी पूरी चीजें जो भी मेरे साथ हुई हैं, और उसमें प्रिविलेज इज एज कंपेयर टू एज कोर्ट, इट इज गॉट ऑल दी राइट्स। जब आप प्रिविलेज के सामने बैठते हैं तो आपको शपथ दी जाती है कि जो भी घटना हुई, जिस तरीके से उसकी सत्य वैसा आप यहाँ पे बताएंगे, उस तरीके से प्रिविलेज में शुरुआत की जाती है। और आप सभी को पता है लीलावती ये बहुत जूना एक हॉस्पिटल है। मुझे बहुत हंसी आती है कि हम इतने रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जब हम एक आधे हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे ऊपर जवाबदारी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से लोग हमारे ऊपर देते हैं। जब मैं लीलावती में थी वो फोटो वायरल हुए, आज ये नए कोई फोटोज वायरल नहीं हुए, फोटोज वायरल हुए हैं बीएनसी का। एक आधा व्यक्ति अपने प्राइवेट ट्रीटमेंट के लिए कोई हॉस्पिटल जाता है, ये कौन से किसी को राइट्स, कौन से, अगर मैं अंडर ट्रायल होती, अगर मैं जेल से उनके कस्टडी में होती और हॉस्पिटल जाती, सो देन द डिपार्टमेंट हैज ऑल दी राइट्स कि मेरे अगेंस्ट वो जो इंक्वायरी करना है वो हॉस्पिटल से कर सकते हैं, या उनका ऑफिशियली वो डिपार्टमेंट का है, बीएनसी का नहीं है, कोई भी मेंबर का नहीं है। और जिस तरीके से एक महिलाओं के पर्सनल क्या चेकअप हुए, किसका ट्रीटमेंट हुआ, क्या मेडिसिन चालू है, ये पूछने का राइट इस देश में आज तक किसी भी हाउस को किसी ने दिया नहीं है। उसके अगेंस्ट उद्धव ठाकरे काम कर रहे थे। मेरा उद्धव ठाकरे जी को सवाल है, क्वेश्चन था उस दिन भी था और आज भी है। और तो सुना आपने नवनीत राणा क्या कुछ कहती नजर आ रही है। सीधे तौर पर नवनीत राणा ने उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल ये माना जा रहा है कि नवनीत राणा ने उद्धव सरकार के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा खोला है, इसका सीधा मतलब यह है कि नवनीत राणा ने कह दिया है कि भाई वो हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगी, भगवान श्री राम का नाम भी जपेंगी, और अगर किसी को दिक्कत है तो दिक्कत होती रहे, क्योंकि नवनीत राणा को फर्क नहीं पड़ता। नवनीत राणा जो अभी कुछ समय पहले रिहा होकर आई है, नवनीत राणा के खिलाफ जो कदम उद्धव सरकार ने उठाया, नवनीत राणा ने कहा कि अगर हिम्मत है तो जहां से नवनीत राणा चुनाव लड़ती है वहां से लड़के दिखाए, तब पता चले कौन किसके बराबर है और कौन किसको कड़ी टक्कर दे रहा है। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि नवनीत राणा ने खुले तौर पर उद्धव सरकार को, उद्धव ठाकरे को खुला चैलेंज दिया, और यह देखा जा रहा है कि नवनीत राणा के बयान के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।